हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मैग्नेन सक्सेस मंच में। आज मैं फिर एक बार आपके सामने यूपीएससी मींस 2018-19 के लिए जीएस पेपर 4 का एथिक्स का पार्ट लेकर आई हूं। और हमारा जो सीरीज चल रही थी, इसमें हम लोग कर रहे थे कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति। इसका वन पार्ट, पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया था कल, और आज पार्ट टू लेकर आई हूँ। और ये पार्ट टू कंप्लीट हो जाएगा आज, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति। इसके बाद सहिष्णुता और करुणा दो टॉपिक रह जाएंगे, वो भी मैं फटाफट कोशिश करूँगी कि आज या कल मैं कंप्लीट कर दूँ। फिर आपका ये पूरा ही जितना सिलेबस था अभिवृत्ति वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद ये जब अपलोड हो जाएगा वीडियो, उसके कुछ देर बाद ही पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंच पेज पे मिल जाएगी। जिस भी बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे कमेंट करके बता दे, तो मैं उसके जीमेल पे डायरेक्ट ही ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी, भेज दूँगी। तो इसमें किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हो रहा, तो पीडीएफ साथ के साथ आपको मिलता रहेगा। तो जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें ये वीडियोस ज़रूर भेजिए, ताकि जो लोग एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से कर सकें। और सिर्फ इतनी ही वीडियोस देखकर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं शुरू करती हूँ कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति। इसका पार्ट टू करेंगे आज हम। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ समानुभूति हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, सहिष्णुता तथा करुणा रह जाएगी, ये भी दो क्लासेस में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने इसमें लास्ट क्लास में देखा था, अर्थ कर लिया था, इसकी विशेषता कर ली थी, भावनात्मक नकल कर ली थी, मतलब कि समानुभूति और भावनात्मक नकल में क्या डिफरेंस होता है। आज हम देखेंगे समानुभूति और सहानुभूति क्या होती है, इसका विकास कैसे किया जा सकता है समानुभूति का, और शोध परिणाम क्या क्या सामने निकल कर आए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, तो क्या क्या परिणाम हमारे सामने आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ये लास्ट क्लास है, आप लोग देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है इससे पार्ट वन, तो आप वहाँ पर जाके पहले उसे देखिए, तभी ये आपको समझ में आएगी कि हम समानुभूति की बात कर रहे हैं, ये समानुभूति होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं समानुभूति और सहानुभूति, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में अंतर जो होता है, इस बात से तय होता है कि हम समानुभूति का अर्थ क्या लेते हैं। यहाँ पर अर्थ का मतलब होगा कि जैसे मैंने समानुभूति में आपको बताया था, स्वयं और पर का अंतर मिट जाता है, बट सहानुभूति की अगर हम बात करें तो वहाँ स्वयं और पर का अंतर रहता है। यहाँ मैं एग्जाम्पल दूंगी कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है रोड पर, तो एक पर्टिकुलर पर्सन में समानुभूति और सहानुभूति दोनों आ सकती है। अब दोनों में डिफरेंस करने का क्या मतलब है, ये देख सकते हैं। सहानुभूति मतलब कि एक्सीडेंट अगर होता है तो उसके प्रति दया आती है, करुणा आती है, सब कुछ आता है, बट उसे किसी चीज़ में अगर लेट हो रहा है, उसे ऑफिस जाने में या कोई इंटरव्यू में या स्कूल कॉलेज जाने में लेट हो रहा है, तो सहानुभूति होने के बाद भी वो उस बंदे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे छोड़ के वहाँ से जा सकता है, क्योंकि सिर्फ उसे सहानुभूति है, समानुभूति नहीं है। तो यहाँ जो सहानुभूति होता है वो स्वयं और पर का अंतर यहाँ पर होता है। सहानुभूति में वो अपने काम से ज़्यादा तवज्जो उस बंदे को नहीं दे सकता है। सहानुभूति के अंदर दया करुणा है, अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग भी आ रही है उसके लिए, बट उसको उसका काम ज़्यादा प्रायर है, ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इसीलिए यहाँ पर इसे सहानुभूति कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर समानुभूति की, तो वहीं पर अगर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ ये समझ में आता है कि मेरा काम बाद में, मुझे उसकी जगह पर अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं कैसे करता। तो यहाँ स्वयं और पर का अंतर बिल्कुल मिट जाता है, वो सामने वाले की सिचुएशन में अपने आप को रखता है और फिर वहाँ पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट फटाफट करवाएगा, उसे जो भी उससे हो सकता है, या तो फर्स्ट एड करेगा या फिर उसे एम्बुलेंस बुलवाएगा, पुलिस को कॉल करेगा, जो भी वो काम वहाँ पर हो सकता है वहाँ पर किया जाएगा। तो यह मेन डिफरेंस होता है समानुभूति और सहानुभूति में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांवेगिक अंतर होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो सांवेगिक अंतर का मतलब मैं बात करूँगी यहाँ पर, कि जो भी समानुभूति होती है उसमें दूसरे की मन की स्थिति को उस स्तर पर महसूस किया जाता है कि
स्वयं और पर का यहाँ अंतर समाप्त हो जाता है, बट सहानुभूति में स्व और पर का अंतर बना रहता है। यहाँ पर समानुभूति जो होती है वो संज्ञात्मक स्तर पे ना होके भावात्मक स्तर पर होती है। भावात्मक स्तर का मतलब होता है कि हम भाव के द्वारा, फीलिंग के द्वारा जुड़े होते हैं किसी सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन की, और सहानुभूति के अंदर हम संज्ञानात्मक तौर पर जुड़े होते हैं, मतलब दिमाग से जुड़े होते हैं कि हमें पता तो है कि वो चीज़ उसके प्रति जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही है, बट हम उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो जाते। हम अपने थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं कि हमारे लिए पहले क्या सही है, पहले वो देखा जाएगा, उसके बाद उसके लिए जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। बट समानुभूति में वो भावात्मक तौर पर जुड़ा होता है कि हम अपने लिए ना सोचकर उसके लिए, सामने वाले के लिए सोचेंगे यहाँ पर। तो ये इसमें मेन अंतर होता है। इन दोनों अंतरों के फलस्वरूप हम यहाँ पर कह सकते हैं तीसरा अंतर कि समानुभूति एक व्यापक अवधारणा होती है और सहानुभूति जो होती है वो संकुचित अवधारणा होती है। ये जो समानुभूति है ये एक विशेष अवस्था को कहा जाता है कि मतलब उस सामने वाले को देखा, दया करुणा आई और फिर अपने काम पे इंसान चला जाता है। कोई ज़्यादा उसके दो शब्द उससे कह दिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम ऊपर से उसके लिए सहानुभूति दिखा रहे हों, बट समानुभूति होता है कि सहानुभूति तो है ही साथ के साथ, प्लस उसमें उसकी समस्या का समाधान करने पर भी जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि समानुभूति में समस्या के समाधान पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और सहानुभूति में समस्या के समाधान पर नहीं, बट उससे जो शब्द होते हैं अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन अपनी समस्याओं को ज़्यादा ध्यान में देकर सामने वाले की समस्या को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम समानुभूति का विकास कैसे होता है। तो समानुभूति का विकास निम्न तरीके से किया जा सकता है। दो तरीके इसमें मेनली है। एक तो आपको पता होगा कोई भी बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट उसके घर से ही होता है, तो जैसा उसका पालन पोषण हो रहा है वैसे ही उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट स्कूल और कॉलेज की भूमिका भी उसमें मेन रोल निभाती है। अब कैसे ये करता है इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। पालन पोषण के स्तर में हम बात करेंगे तो बच्चों में जो समानुभूति है उसके जो विकास होता है उसमें माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बच्चों की जो भावनात्मक संवेदनशीलता होती है वो बहुत हद तक पालन पोषण पर भी निर्भर करती है। उसको जैसे माहौल में ढाला जाता है उसकी भावनात्मक स्तर उसका वैसा ही हो जाता है। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, बच्चों को बहुत ही प्रेरक और रोचक कहानियाँ सुना के उसे बढ़ाया जा सकता है समानुभूति के स्तर पर। और ऐसी कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं जो किसी काल्पनिक चरित्र के दुख दर्द को व्यक्त करती हैं। तो बचपन से ही अगर बच्चों के अंदर डाली जाएगी ये चीज़ें तो उसके अंदर समानुभूति का विकास होगा। एक और समानुभूति का विकास करने का तरीका है कि बच्चों को भूमिका निर्वाह, मतलब कि रोल प्लेइंग के ऐसे मौके देना जिसमें किसी वंचित और दुखी व्यक्ति का अनुभव करना हो। ये मैं वैसे ही स्कूल कॉलेज में भी किया जा सकता है, बट मैं यहाँ पे बात करूँगी घर के माहौल में ही। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ कुछ अगर उनके अंदर समानुभूति बढ़ाना चाहते हैं तो रोल प्ले खेल सकते हैं, खेल खेल में ही उन्हें सिखा सकते हैं कि समानुभूति क्या होती है। सेकंड हमारा पॉइंट है स्कूल कॉलेज की भूमिका। ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है क्योंकि स्कूल कॉलेज में ही ज़्यादातर बच्चे सीखते हैं चीज़ों को। जैसे कि स्कूल कॉलेज में ऑडियो विजुअल टेक्निक्स होती हैं, फिल्मों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं के ग्रस्त व्यक्ति और समूहों की स्थिति को प्रदर्शित करके छात्रों में समानुभूति का विकास यहाँ पर किया जा सकता है। बच्चों को कुछ ऐसे समूहों से भी मिलवाया जा सकता है जो सामाजिक समस्या या पीड़ा के भुक्तभोगी हों, मतलब कि जिनको ऐसी समस्याएं हैं, जो वंचित वर्ग हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में, तो उन बच्चों को उनसे अगर मिलवाएंगे तो उनके दुख दर्द को समझेंगे और समानुभूति का अनुभव यहाँ पर कर सकेंगे। ऐसे ही बच्चों के बीच में अगर डाइवर्सिटी की नीति लागू करें तो वो भी फिर उससे भी ज़्यादा समानुभूति का मतलब बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है, ताकि वो दूसरों समूह में अधिक से अधिक अंतःक्रिया कर सकें और जो उनके मन में रूढ़ धारणाएं बढ़ गई हैं उससे वो मुक्त हो सके। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसमें कोएड स्कूल और कॉलेज की स्थापना करना, जैसे लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव का स्तर है हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर अगर कोएड स्कूल्स होंगे तो उन लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और वो जो रूढ़ धारणाएं हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सॉल्व की जा सकती हैं।
हिंदू मुसलमानों को एक साथ पढ़ाना यहाँ ये यूज़ हो सकता है। अमीर गरीब को बच्चों को एक साथ पढ़ाने से बहुत ज़्यादा समानुभूति का विकास किया जा सकता है। विभिन्न वर्णों के बच्चों को एक साथ पढ़ाने से भी समानुभूति का विकास किया जा सकता है। और हो सके तो एक से अधिक देशों के बच्चों को आपस में अंतःक्रिया का मौका देना, ताकि दोनों देश के बच्चे, जो भी पर्टिकुलर देश है, आपस में समझ सकें और चीज़ों को ग्रैप कर सकें एक दूसरे में, और समानुभूति का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ऐसे ही और इसमें बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिन व्यवसायों में दूसरों की समानुभूतियों या मनस्थिति को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, उन व्यवसायों की प्रतिष्ठा बढ़ाई जानी चाहिए। जिसमें बहुत ज़्यादा एम्पथी बिहेव होता है, सिंपथी का बिहेव किया जाता है, तो वहाँ पर उस जो कोर्सेज होते हैं वैसे उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए। और इसी तरह समानुभूति का विकास बच्चों में किया जा सकता है। ऐसे कौन से कोर्सेज होते हैं, जैसे कि चिकित्सा का कोर्स हो गया, नर्सिंग का कोर्स हो गया, और मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्य का कोर्स हो गया, प्राइमरी टीचर्स हो गए। टीचर्स भी बहुत मेजर रोल निभाते हैं समानुभूति के विकास के लिए। और भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1 पॉइंट इसके विकास के लिए, कि ऐसे साहित्य और कलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो समानुभूति को सीख दे सके, विशेषता वंचित वर्गों के प्रति समानुभूति, क्योंकि हमारे जो देश में, हमारे देश में ज़्यादातर जो वंचित वर्ग हैं उनके प्रति ही बहुत ही गलत रवैया अपनाया जाता है, तो बच्चों को उनसे ही समानुभूति का व्यवहार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये यहाँ पर विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये जो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बनाए, इसको आप सब टॉपिक बना के अपने जो भी आंसर बुक है उसमें आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शोध परिणाम। बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हुए हैं जिससे पता चला है कि समानुभूति का विकास किस स्तर पर होता है, कैसे नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 साल की उम्र से पहले समानुभूति का विकास नहीं होता है, वहाँ पर भावनात्मक नकल ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भावनात्मक नकल क्या होती है, अगर माँ रोती है तो बच्चा उसको देखकर रोने लगता है, उसके अंदर समानुभूति की कोई भावना नहीं होती है। तो 2 साल की उम्र से पहले समानुभूति नहीं होती है। 2 से 7 साल की उम्र में बहुत कम विकास होता है, थोड़ा बहुत विकास होता है। 7 से 12 साल की जो उम्र होती है वहाँ पर समानुभूति का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है, सामान्यतः विकास हो चुका होता है। नेक्स्ट, समानुभूति की जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती है, ये रुकती नहीं है, या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर इसमें इसे ट्रेनिंग देकर भी विकसित किया जा सकता है, जैसे नर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, प्राइमरी टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पर बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है या पेशेंट के साथ कैसा बिहेव करना है ये सिखाया जाता है, तो इससे समानुभूति विकसित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें एक रिसर्च में सामने आया है कि महिलाओं में समानुभूति पुरुषों से अधिक होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो सामान्यतः महिलाएँ ज़्यादा समानुभूति प्रेफर करती हैं पुरुषों की तुलना में। इसके संदर्भ में बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं बहुत सारी कंट्रीज द्वारा, जैसे कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में समानुभूति की क्षमता उन मामलों में अधिक होती है जहां कोई व्यक्ति दुख दर्द महसूस कर रहा हो, तो महिलाएं जल्दी दुख दर्द को महसूस करती हैं पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ समानुभूति की क्षमताएँ बढ़ती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज में डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे ही समानुभूति बढ़ती है, कम नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा दूसरों को समझने की क्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है आज के लिए, बस इतना ही। एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है कि समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका, इसकी पीपीटी नहीं है हमारे पास यहाँ पर, मैं आपको इसे नॉर्मली समझा देती हूँ यहाँ पर ये क्या होती है। समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका होती है कि समानुभूति के विकास के लिए यहाँ सक्रिय श्रवण या ध्यान से सुने जाने को बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। लोगों की समस्याओं को पूरी तरह समझने के लिए, उनकी बात, उनके विश्वास, उनकी विचारधारा, परंपरा आदि को पूरे ध्यान और तन्मयता से सुना जाना बहुत ही ज़्यादा यहाँ ज़रूरी होता है। सक्रिय श्रवण से व्यक्तियों के साथ जुड़ना और उनकी भावनाओं को समझना आसान हो जाता है, और सक्रिय श्रवण से समानुभूति का विकास सरलता से किया जा सकता है।
जैसे कि जनता दरबार होता था पहले और जन सुनवाई होती थी, तो ऐसी व्यवस्था भी जन सक्रिय श्रवण के द्वारा समानुभूति का विकास करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो सक्रिय श्रवण आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा, ये नॉर्मल पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति में समानुभूति का विकास करना है तो उसके अंदर पहले ये गुण होना चाहिए कि वो सामने वाले व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। आप लोग के अब कमेंट कम आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट फील हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।